नमस्कार। आज माटी वाली पाठ की प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, माटी वाली तड़के सुबह से अंधेरा होने तक काम किया करती थी, यानी सुबह से शाम तक वह काम किया करती थी। उसके काम में जी तोड़ मेहनत लगती थी। वापस घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाया करती थी और इन सब के बीच में उसे इतना समय ही नहीं मिलता था कि वह अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोच पाए। प्रश्न है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है, और जब पेट भरा हो तो सामने चमचम, गुलाब जामुन, कुछ भी पकवान रख दिए जाएं तो उसे भी खाने का मन नहीं करेगा। खाने का असली स्वाद तभी आता है जब जोरों की भूख लगी हो। प्रश्न आ जाता है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो विरासत में हमें जो चीज़ मिलती हैं वे हमारे पुरखों की वर्षों की कमाई का नतीजा होती हैं। विरासत में केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं मिलती बल्कि पुरखों की कमाई हुई इज्जत भी हमें मिलती है। इसलिए हमेशा विरासत में मिली हुई चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें सरेआम औने पौने दामों में नीलाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी कौन सी मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली किसी तरह से बस इतना ही कमा पाती है जिसमें उसके और उसके बूढ़े लाचार पति का गुजारा हो जाए। इसलिए वह हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना जानती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि घर में ठीक से भोजन भी पका सके। उसकी गरीबी उसे इस बात के लिए मजबूर करती है कि वह एक एक रोटी का हिसाब रख सके। प्रश्न आता है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, माटी वाली को अपने लाचार पति के प्रति दया भी आती है और प्रेम भी। उस दिन माटी वाली के पास इतने पैसे हैं कि वह कुछ प्याज भी खरीद सके और अपने पति के लिए प्याज की भाजी भी परोस सकेगी। इससे पता चलता है कि वह अपने पति के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखने के लिए कितनी व्याकुल है। क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय बताना है। तो गरीब आदमी की जिंदगी जो है हमेशा कगार पर होती है और हल्का सा झटका भी लगा दो तो जिंदगी तार तार हो जाती है। जिनके पास धन संपत्ति होती है वे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर जिंदगी को फिर से रास्ते पर ले आते हैं, लेकिन ऐसे में गरीब आदमी जो है उसका अंदर तक टूट जाता है। शमशान वह आखिरी पड़ाव होता है जहां हर किसी को जाना है। टिहरी बांध के प्रभाव में तो इस कहानी में शमशान भी बह चुके हैं। माटी वाले का सब कुछ तबाह हो जाता है और उसे अपना अंत भी भयावह दिखने लग जाता है। इसलिए वह शमशान के नहीं उजड़ने की बात किया करती है।